بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے اس نے اپنے حبیب کا صدقہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس مقدس اور معزز مہمان کو بھیجا جس کی عزت اور توقیر ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی عزت اور احترام کرنے کے لیے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. چودہ سو انتالیس سن ہجری رمضان المقدس کا پہلا جمعہ اور عیسوی حساب سے مئی کی 18 تاریخ ہے، جب روزہ فرض ہوا 2 ہجری تھی. شعبان المعظم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، دن جمعۃ المبارک کا تھا. سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز فرض ہوئی. نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی. زکوٰۃ کے بعد پھر روزہ فرض ہوا. قرآن مجید میں بھی اس کی ترتیب کچھ طرح ہے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے وہ لوگ، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جن کو ہم نے
रिस्क दिया और वो हमारे दिए हुए रिस्क में से उन लोगों पर खर्च करते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हकदार बनाया। सदका व खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। तीसरे नंबर पर कहा वो मर्द और औरतें जो रियाकारी से हटकर रोजे रखते हैं और अपने रब को राजी करते हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें जरा भी रियाकारी नहीं होती। नमाज, जहन में ख्याल आ जाता है, वैसे नमाज हर इबादत रियाकारी से पाक होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ख्याल आ जाता है भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूं, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे नमाजी समझें। अगर ये ख्याल आ जाए तो अल्लाह फरमाता है कि नमाज अदा करने वालों, मुझे तुम्हारी नमाजों की जरूरत नहीं है। और ऐसी नमाजें पढ़ने वाले पे वापस मुंह पे मारी जाती हैं कि मेरे दरबार में आ तो इस तरह आ कि तुझे खबर तक न हो, बस तू जाने और तेरा रब जाने कि किसके दरबार में खड़ा। किसी इबादत में रियाकारी का थोड़ा सा अंश शामिल हो जाता है। इंसान वैसे कोशिश करता है कि भाई रियाकारी ना हो, अच्छी बात है, मगर रोजा एक ऐसी इबादत है। नमाज आप पढ़ते हैं, हर बंदा देखता है नमाज पढ़ी जा रही है। ज़कात आप देते हैं, लेने वाला जानता है, देने वाला जानता है। हज अदा करते हैं, फूल पहनकर जाते हैं, सभी दोस्तों रिश्तेदारों को इल्म है। ये उम्रे की अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए जा रहा है। सदका खैरात करते हैं तो लोगों को खबर होती है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसे या रोजेदार जानता है या उसका परवरदिगार जानता है। सैयदना हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनकी उम्र तकरीबन 350 साल गुजरी है। हजरत सलमान फारसी बाज ने 250 साल भी लिखा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो ईसा अलैह सलाम के ताबी हैं और नबी पाक आपके और हमारे नबी के सहाबी हैं, दो मर्तबे आपको मिले। ताबी उसे कहते हैं जो सहाबी को देखे। हजरत सलमान फारसी जब ईमान लाए तो उस वक्त आपकी उम्र 250 साल थी। सब कुछ छोड़कर जब दरबारे नबुवत में हाजिर हुए, सैयद नहीं है वो, फारस के रहने वाले, आका अरब के रहने वाले, बच्चों को छोड़कर, माल को छोड़कर, असबाब को छोड़कर, दुनिया की सारी नेमतें छोड़कर जब बारगाह नबुवत में आते हैं, उम्र देखी, बुढ़ापा देखा, मगर इस्लाम का जज्बा देखा। आका दो आलम ने पकड़कर सीने लगाया और मैं सलमान, अगर तुम गैर हो मगर तेरी मोहब्बत को देखकर मैं मोहम्मद कहता हूं, जैसे हुसैन मेरी औलाद में है वैसे तू मेरी औलाद में है।
सैयदना हजरत सलमान फारसी, ये बरसबीले तस्करा मैंने दो चार जुमले अर्ज किए हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, दो हिजरी थी, शाबान का महीना था, दिन जुमे का था, नबी करीम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और आपने खुतबा दिया और फरमाया कि लोगों, इस महीने के बाद जो महीना आ रहा है जिसका नाम है रमजान, और रजब शहरुल्लाह, फरमाए रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। सैयदना आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, खुतबा देने के साथ आपने क्या फरमाया, फरमाया कि एक ऐसा खैर और बरकत वाला महीना आ रहा है जिसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का। फरमाया ऐसा महीना आ रहा है कि उस महीने में नवाफिल पढ़ो तो फर्जों का सवाब। रोजा है ना आपका, हाँ। बस मुझे आपने बुलवाना है, क्योंकि आपका रोजा है, थके हुए हैं, मुझे बुलवाना है, हमें हमारे साथ जो भी बने, लेकिन मैं तो दुआ करता हूं मेरा और आपका रोजा उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। तो रोजा ये तो नहीं कहता कि भाई सुभान अल्लाह भी ना कहो। अगर किसी मोहल्ले के मौलवी ने या किसी खतीब ने या किसी इमाम ने या किसी दानिश्वर ने या किसी नाम निहाद मुफ्ती ने आपको कह दिया है भाई सुभान अल्लाह कहने से मना किया गया है रोजे में ना कहो, तो फिर तो आप ना कहें। अगर सुभान अल्लाह रोजे से कहने से अगर हजारों नेकियां मिल जाएं फिर तो कह दे। क्या ख्याल है? वो महीना आम तौर पे सुभान अल्लाह कहो ना, सीन बे हे अलिफ नून पांच और फिर पांच, ये दस हुरूफ बनते हैं। आम दिनों में अगर आप सुभान अल्लाह कहो तो दस ने किया, एक हर्फ के बदले में एक ने की, और जब रमजान में कहो तो दस नहीं बल्कि सत्तर गुना, यानी एक लफ्ज कहने से सुभान अल्लाह कहने से सात सौ ने किया। फरमाए फर्ज पढ़ो तो सत्तर फर्जों का सवाब, अगर फर्ज पढ़ो नवाफिल पढ़ो फर्जों का सवाब, फर्ज पढ़ो सत्तर फर्जों का सवाब। फरमाया सवाब किसे, मौलवी ने देना है? नहीं। पीर ने देना है? नहीं। फिलासफर ने देना है? नहीं। मंतकी ने देना है? नहीं। किसी इमाम ने देना है? नहीं। अल्लाह फरमाते सवाब तो मैंने देना है, जितनी मोहब्बत से तुम कहोगे मैं हिसाब ही नहीं करूंगा, कहते तुम जाओगे देता मैं जाऊंगा। ऐसा है अमल, हर अमल की जजा जन्नत है। नमाज पढ़ी जजा जन्नत, सदका दिया जजा जन्नत, जकात दी जजा जन्नत, सजदा किया जजा जन्नत, मां बाप का एहतराम किया जजा जन्नत, भूखे को खाना खिलाया जदा जन्नत, प्यासे को पानी पिलाया जदा जन्नत, नंगे को कपड़ा पहनाया जदा जन्नत। हर अमल की सजा, हर अमल की जदा। अब जुमला कर रहा हूं साहेबो, अगर दिल इजाजत दे तो तोतला मस्जिद के तरह दीवार को कड़ा बना दो, हर अमल की जदा जन्नत है।
और रोजे की सजा खुद खालिक जन्नत है। मैं खुद जदा देता हूं, अस्सौम ली व अना उज्जा बही, अस्सौम ली व अना अज्जी बही, इसकी जदा मैं देता हूं या इसकी जदा मैं खुद खालिक हूं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपने रब को वहदहु ला शरीक कहूं, अपने रब को वहदहु ला शरीक कहूं और आपकी नबुव्वत का इकरार करूं, नमाज भी पढ़ूं, जकात भी दूं, रोजा भी रखूं, तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? अल्लाह के नबी ने मुस्कुराकर कहा कि तेरा शुमार सिद्दीकीन और शहदा में होगा, कि कयामत के दिन जब तुझे कब्रों से उठाया जाएगा, खुदा की तौहीद, नबी की रिसालत, नमाज, जकात, रोजा, जब इन तमाम इबादतों को नियत इखलास के साथ रब की बारगाह में पेश करेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं जहां सिद्दीन खड़े होंगे और जहां शहदा खड़े होंगे, मैं इस रोजेदार को भी उन्हीं सफों में खड़ा कर दूंगा। और आका फरमाते हैं, कुर्सी में सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान और रोजा ये दोनों कयामत के दिन रोजेदार की शफात करेंगे। और रोजा फकत हम पे फर्ज नहीं हुआ, पहली उम्मतों पर भी फर्ज हुआ। कुरान तू बता के किस तरह फर्ज हुआ। तबीयत को तरह खोल के बैठे, आपकी तबीयत पे बोझ पड़ता है तो मेरी तबीयत पे बोझ ज्यादा पड़ जाता है, जब आपकी तबीयत खिलखिला उठती है तो फिर रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे मालिक, कुरान पढ़ने से पहले मैं दुआ दे रहा हूं जो अब सुभान अल्लाह के उसको दुखड़े दूर कर दे। मेरे मालिक जो अब सुभान अल्लाह के उसके रोजे रखे कबूल कर ले। मेरे मालिक जो अब सुभान अल्लाह के उसे हिम्मत और ताकत अता कर दे। मेरे मालिक जो अब सुभान अल्लाह कहे रोजे और इज्जत और अजमत और जुमे की बरकतों का सदका, आज रात आंख लगे तो दीदारे मुस्तफा हो जाए। कि किन को कहा गया, और कुरान कहता है मेरे खाले जरा तू सही में 10 मिनट चुप तक करो, बिल्कुल ना आखो, ताकि मैं कोई पता लगे ना जो कितने थके बैठे हो। अभी तो आज दूसरा रोजा है, जरा दिल से आवाज आ। खान साहब, मलिक सबको नहीं देखा लोगों, ईमान वालों, रोजे फकत तुम पर फर्ज नहीं हुए बल्कि तुमसे पहली भी उम्मतों पर फर्ज हुए थे। जब मैंने तारीख अंबिया का मुतालिया किया, आदम
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूल्ला तक सभी ने और उनकी उम्मतों ने रोजे रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारी हो तो कहा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में हर महीने 3 रोजे रखे, अय्यामे 20 जिन्हें कहा जाता है, वो 13, 14, 15 हर महीने 3 रोजे रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर महीने 2 रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कभी कभी 40 रोजे रखा करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हर नबी जितनी भी उनकी उम्मतें थी रोजा फर्ज था। फरमाया ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए, ये ना कहना के रोजे हम पर फर्ज हुए। फरमाया तुमसे पहले जितने भी नबी आए और जितने भी उम्मतें आई वो सारे के सारे रोजे थे, उन पे भी रोजे फर्ज किए गए। इधर तेरे और मेरे नबी ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया के लोगों, कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेदे पे होगा, जमीन तांबे की होगी, हर कोई नफसा नफसी में होगा। फरमाया कयामत का दिन होगा, रोजेदार एक हसीन सूरत में जाहिर होगा, और रोजेदार जब आएगा तो इधर रमजान भी आ जाएगा, इधर रोजा भी आ जाएगा और हसीन सूरत में आएगा। मेरा अल्लाह फरमाएगा, रोजा ये बता तू आज क्या चाहता है, तो अल्लाह के फरमाने पर रोजा कहेगा, या अल्लाह बस आज मेहरबानी फरमा दे, जिन लोगों ने मेरी इज्जत की थी, जिन लोगों ने मेरा शान देखा था, जिन लोगों ने मुझे पाकर तेरी रहमतों को लूटा था, ऐ अल्लाह मैं ये सिफारिश करता हूँ, जिस जिसने मेरी इज्जत की उसके सरों पर सुनहरी ताज रख दिया जाए, उसके सरों पर सुनहरी ताज रख दिया जाए। आका फरमाते रमजान भी शफात करेगा और कुरान भी शफात करेगा, इसलिए कि रोजा और कुरान और रमजान ये तीनों मुत्तसिल हैं। जहां कुरान का जिक्र आया वहां रमजान का जिक्र आया, जहां रमजान का जिक्र आया वहां कुरान का जिक्र आया, और जहां इन दोनों का जिक्र आया फिर रोजेदार का जिक्र आया। अल्लाह फरमाते जब रोजेदार रोजा रखता है और वो सामने उसके पास खाना भी पड़ा हो जो खाना उस पे हलाल था, अब वो उसे देखता भी नहीं है, हालांकि कोई देख भी नहीं रहा, वो खलवत में बैठा है, वो जलवत में बैठा है, पानी उसके सामने पड़ा है लेकिन पानी देखता भी नहीं, वो उस पे हलाल भी है लेकिन इस वक्त हराम हो गया। अल्लाह फरमाते फरिश्तों दर आसमान के दरवाजे खोल कर देखो, तुम कहते थे पैदा ना कर, अब देखो वो पानी जो इस पे हलाल था अब इसके सामने पड़ा है, उसे देखता नहीं है, और जो खाना इस पे हलाल था अब इसके सामने पड़ा है उसे देखता नहीं है। फरिश्तों तुमने कहा था झगड़े करेंगे, और मैंने कहा था काला इन्नी अलमु माला नहीं। एक मतबा जरा हाथ बुलंद करके हाथों की गवाही दे दो, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं कर रहा था मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह फरमाते फरिश्तों जो कुछ मैंने कहा था तुम नहीं जानते, आओ जरा मेरे रोजेदार को देखो, ये जितना भी गुनाहगार हो, ये जितना भी सियाकार हो, अब फरिश्तों जरा देखो मेरा ऐलान सुन लो, इसने रमजानुल मुकद्दस की इज्जत की है। और हदीसे पाक में आता है जब रोजेदार सो जाता है और सोने के बाद जब उठने लगता है तो उसका बिस्तर दुआ देता है, या अल्लाह जिसकी कमर मुझसे लगी हुई थी इसकी खैर हो और इसके बच्चों की खैर हो। लेकिन वह जब खुद कुर्ते तब जब वो कपड़े बदल देता है तो कपड़े उसे दुआ आती है, या अल्लाह इसे जन्नत का लिबास पहना दे,
है और जब उसको जूता पहनता है, हदीस पाक में आया, तो जूते से आवाज आती है, एक फरिश्ता दुआ देता है और फरिश्ता दुआ देता है, जब वो रोजेदार जूता पहन कर खड़े होता है, फरिश्ता दुआ देता है, कहते या अल्लाह इसको पुल सरात पे साबित कदम रखना। और जब ये बंदा सो जाता है, अल्लाह फरमाते फरिश्तों इसके करीब खड़े हो जाओ, ये सो गया है, इबादत नहीं कर रहा, लेकिन हर सांस के बदले इसके लिए सवाब लिखते जाओ। और सरजमीने अरब है, अरब में सहरा है, सहरा में मदीना है, मदीने में हरम है, हरम में मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी में रियादुल जन्नत है, रियादुल जन्नत में मेहराब नबी है। सैयदना कैदू आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया कि लोगो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए रमजान में रोजे भेज दिए है, अब सुनो जरा मोहब्बत वालो। मेरे आका ने फरमाया लोगो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए रमजान के रोजे भेज दिए हैं, और रमजान की रातों में मैंने शबे बेदारी के लिए तुम्हें तरावी नमाज दे दी है। दो चीजें सरकार ने फरमाया, फरमाया रोजे खुदा ने दिए, रोजे खुदा ने दिए, फरमाया नमाज़े तरावी शब को जागना और तरावी नमाज का अदा करना, ये मैंने दे दिया है। सरकार ने फरमाया ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये नवाफिल नहीं है, अगर नहीं पढ़ सकोगे तो मजबूरी है, उसकी तो माफी होगी। लेकिन आज हैरान होता हूँ, घर घर में मुफ्ती पैदा हो गए, घर घर में ऐसे मुफ्ती पैदा हो गए, फतवे लगा दिए, जनाब ये नमाज़े तरावी कोई फर्ज तो नहीं है, ये कोई वाजिब तो नहीं है, ये तो सुन्नत और नवाफिल है। अरे सुन्नत मुअक्कदा है, इसको जानबूझकर छोड़ देना वाला सख्त गुनाहगार है। और ये सुन्नत मेरे आका फरमाते हैं रब ने रोजे दिए और मैंने तुम्हें तरावी दी, हुजूर उसकी वजह फरमाया कुरान रमजान में आया और रमजान का जिक्र कुरान में आया, जो जुमला सुनिए, कुरान रमजान में आया और रमजान का जिक्र कुरान में आया। फरमाया तुम सुबह से लेकर तुलुए फजर से लेकर गुरूबी आफताब तक तुमने खाना पीना छोड़ दिया, और जब अफतारी आ गई सामान सामने पड़ा है, और तुम्हारे लिए आका फरमाते रोजेदार को दो वक्त बड़ी खुशी मिलती है, हुजूर कौन कौन सा वक्त? फरमाया रोजेदार जब इफ्तारी करता है उस वक्त उसे खुशी मिलती है, और दूसरा मौका जब रब से मुलाकात करता है तो उसे भी खुशी होती है। इफ्तारी का कितनी इज्जत अज़मत से नवाजा गया। मेरे आका फरमाते इफ्तार कराया करो, रोजा रखने वालों तुम रोजेदारों को रोजे इफ्तार करवाया करो। सरकारे दू आलम ने फरमाया जितना सवाब रोजे रखने वाले को मिलता है उतना इफ्तार कराने वाले को मिलता है। एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जिसमें हिम्मत ना हो, शौक तो है मैं इफ्तार करा दूं, शौक तो है मैं इफ्तार करा दूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं, मेरे पास तो कुछ खाने को अपना नहीं, मैं कैसे इफ्तारी कराऊं? हुजूर ने फरमाया जो इफ्तार रोजा कराएगा अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह उसे जन्नत दे देगा, अल्लाह उसको जहन्नम के लिए अल्लाह उसे आजाद कर देगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर हम क्या करें? मेरे आका की करीमी देखो, इस्लाम कोई जबर का नाम नहीं है, इस्लाम आसानी का नाम है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर इस्तेदात ना भी हो तो कम अज कम एक खजूर खिला दो, हुजूर अगर खजूर भी ना हो फरमाया पानी का एक घूंट पिला दो, जो सवाब उसे मिलेगा वही सवाब इसे, वही सवाब इसे। अब मेरे आका ने फरमाया, आका ने फरमाया रोजे रब ने दिए,
रोजे किसने? रब ने दिए, और नमाज तरावी मैंने दे दी है। ये सुन्नत मुअक्कदा मेरे आका ने भी इस तरह भी पढ़ी है। फरमाया मस्जिदों में आया करो, मस्जिदें सजाया करो, मुसल्ले बिछाया करो, एहतमाम किया करो। हुजूर उसकी वजह फरमाया जब कोई शख्स मुसल्ला बिछा कर मस्जिद में आता है और 20 रकात नमाज तरावी पढ़ता है, जिसने सारा साल कुरान न सुना वो आज मस्जिद में आकर मुक्तदी बन जाए, और जो हाफिज पढ़ता जाए उस कुरान को सुनता जाए, हुजूर फायदा क्या? फरमाया जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा उतना सवाब सुनने वाले को मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ बहाने बना दिए हैं कि किसी तरह मेरे महबूब का उम्मती बख्शा जा। और आरिफ़ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? अब मानने रहमत दा दरिया इलाही, उचना पड़ा उचना पड़ा है, रहमत 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 दरिया इलाही, हर दम मगदा तेरा जे एक कतरा बख्श दे मैनू कम बन जावे। इनको रोजा रखो और रात को नमाज तरावी अदा करो, आराम वाली नमाज, और इसमें कुरान सुना करो और बरकतें हासिल करो। सरकार फरमाते जो दिन को रोजा रखे और रात को नमाज तरावी पढ़े, फरमाया रमजान सारे महीनों का दिल है। रमजान सारे महीनों का दिल है, और जब दिल ठीक होगा तो सारा साल ही ठीक हो जाएगा। दिल ठीक होगा तो सारा साल ठीक हो जाएगा। दो चीजों का सरकार ने हुक्म मजीद दिया, पर मैं एक तो जकात निकालो और रमजान के रोजे रखो। जकात क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी, कारून को अल्लाह ने दौलत दी। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा कारून को कहो मैंने तुझे खजाना दिया है, मेरे रास्ते पर खर्च कर, जकात निकाल, मेरे रास्ते पर खर्च कर, जकात निकाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कारून अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे खजाना दिया है मेरे रास्ते पर खर्च कर, वाह नौजबिल्ला खुदा मेरे खजाने का भूखा हो गया है, उसका कहाँ खजाना, खजाना तो मेरा है, मेहनत मेरी, पैसा मेरा, खजाना मेरा, तिजारत मेरी, माल मेरा, सब कुछ तो मेरा है, उसका कहाँ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या अल्लाह सुना, फरमाया हाँ मूसा एक मरतबा फिर भी कहो, फिर कहा तो फिर भी यही जवाब दिया। तीसरी मरतबा अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा एक मरतबा फिर कहो, जब तीसरी मरतबा जवाब दिया तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा आप हट जाएं, अब मेरी कुदरत का नजारा देखें। सारे खजाने की चाबियां, सब खजाने की चाबियां उठाकर कारून के सामने रख दी, कारून को जमीन में दफन किया, सिर्फ सर बाहर था। तो अल्लाह ने फरमाया कारून अब बता खजाना तेरा है या खजाना मेरा है। जकात माल की मैल है, जकात माल की मैल है। सरकार फरमाते हैं जकात दो तो मैल माल की निकल जाएगी, और रोजा बदन की मैल है, जब रोजा रखोगे तो बदन साफ हो जाएगा।
सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मारूफ हदीस है, मेरे नबी के गुलाम और सैयद दो आलम से मोहब्बत करने वालों, सैयदना कैद आलम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, मेरे नबी ने फरमाया आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो मेरे नबी ने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो नबी ने कहा आमीन। ये तीन मिंबर की सीढ़ियों पे कदम रखा तो मेरे नबी ने आमीन कहा। नमाज खत्म हो गई, नमाज के बाद सहाबा मजमा है, मेरे नबी की बारगाह में सरकार की बारगाह में सवाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बताएं कि आपने आज नमाज से पहले जो खुतबा दिया, खुतबे पे चढ़ने से पहले आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन, और दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। हुजूर इसकी वजह मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रीली अमीन हाजिर हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उस शख्स से कभी रहमत करीब नहीं होगी, वो रहमत से दूर हो जाएगा जो रमजान अल मुकद्दस को पाए और जानबूझकर उसकी इज्जत ना करे। और जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रीली अमीन फिर हाजिर हुए और या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं वो शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर रहेगा जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर से, उससे भी रहमत दूर हो जाएगी। और जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा जिब्रीली अमीन फिर हाजिर हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो शख्स भी रहमत के कभी करीब ना होगा जो मेरा नाम सुनी और मुझ पर दरूद ना पढ़े। तीन चीजों का जिक्र किया, पर मैं रमजानुल मुकद्दस की इज्जत, माँ बाप की इज्जत और मेरे नाम की इज्जत, सैयदना कैद आलम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना किस कदर अपने नबी के गुलामों के लिए मुख्तलिफ बहाने बना दिए, कभी रमजान दे दिया, कभी रमजान में शब कदर दे दी, कभी रोजा दे दिया, कभी रोजे में भूख में रखकर, और भूख में रखकर अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारी सेहत को बेहतर बना दिया, और कभी नमाज़े पंजगाना देकर, मकसद ये है कि मेरे नबी का उम्मती बख्शा जाए। सैयदना कैद आलम फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे हैं, एक पहाड़ी पर कुब्बा देखा और वो चमक रहा था, फरमाते हैं वो करीब गया, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं करीब गया तो देखा वो कुब्बा फट गया, उसमें से एक शख्स बाहर निकला और वो इबादत कर रहा था। मैंने उससे पूछा तुझे कितनी मुद्दत हो गई यहां इबादत करते करते, उसने कहा मुझे 400 साल हो गए इबादत करते करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये कितना खुश नसीब बंदा है जिसे 400 साल हो गए ये शबो रोज यही गुजार रहा है, न इसे खाने की परवाह, जब इसे जब भूख लगती है तो अंगूरों का गुच्छा सामने आ जाता है और तेरा रिस्क इसके सामने आ जाता है, इसे किसी की परवाह नहीं, न ये बाहर जाता है, न ये दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात करता है, या अल्लाह इसे 400 साल हो गए ये कितना इबादत गुजार है, इसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे रश्क होने लगा कि 400 साल से इबादत कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया प्यारे ईसा हैरान ना हो, इसकी 400 साल की इबादत को देख रहा है कि इसके नामे माल में बड़ी नेकियां हैं, ये बहुत बड़ा इबादत गुजार है, बहुत बड़ा जाहिद व आबिद है। फरमाया प्यारे ईसा तेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और जिसकी मां आमना होगी, जिसका बाप अब्दुल्ला होगा, जो दुर्रे यतीम होगा, जो हाशमी खानदान से ताल्लुक रखेगा, मक्के की धरती में आएगा, उस नबी को जो उम्मत दूंगा, उस उम्मत को एक महीना दूंगा, वो महीना रमजान का होगा, उस रमजान में एक रात दूंगा जो शबे कदर होगी, और उस रात को वो उम्मती दो रकात नमाज नफल पड़ेगा, ये 400 साल से वो दो नफल ज्यादा इबादत रखते होंगे। ये जो कुछ भी मिला है अल्लाह ने हमें अपने नबी का सदका दिया। क्यों भाई? और आला हजरत फरमाते हैं जमीन ओ जमा
زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے. اور یہ ذرا محبت سے زمین و زمان, ہاں زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے. اور دہن میں زبان, دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں, ہم کس کے لیے آئے بھی؟ اپنے نبی کے لیے, خدا کی رضا لینے کے لیے اور اس کے محبوب کی محبتیں لینے کے لیے. یا یوں کہوں کہ خدا کی رضا کے لیے اور نبی کی وفا کے لیے ہم آئے جہاں, ہم آئے جہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 3 تاریخ ہو تو ایک شخصیت ذہنوں میں ابھرتی ہے, وہ شخصیت کون ہے؟ جس شخصیت کو رب کا سلام آتا ہو وہ شخصیت کون ہے؟ ارے جس پر میرا نبی ناز کرے وہ شخصیت کون ہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہو, ارے وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا, جس کا وصال 3 رمضان المقدس کو ہوا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدم لگے, یہ وہ جگہ ہے جہاں رکن الدین نوری حضوری کے قدم لگے, یہ وہ جگہ ہے جہاں غزالی دوران کے قدم لگے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے والد گرامی نے بلاس 30 سال نبی کے دین کی عزت و عظمت کے جھنڈے لہرائے, یہ وہ جگہ ہے جہاں بزرگان دین نے قدم رکھے ہیں. میں دعا دیتا ہوں, آپ آمین کہہ دینا, میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ, تجھے تیری عظمت کا واسطہ, تجھے تیری عزت کا واسطہ, تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ, تجھے صداقت صدیق کا واسطہ, تجھے عدالت فاروق آدم کا واسطہ, تجھے سخاوت عثمان غنی کا واسطہ, تجھے شجاعت علی کا واسطہ, تجھے نبی پاک کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا واسطہ. یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں ایسا کرم کر دے, ہر بھی اولاد کی جھولی میں نیک اولاد دے دے. یا اللہ تیرے در میں نہ دیر ہے نہ دیر ہے, لیکن جس شہزادی کا میں بیان کر رہا ہوں, ارے وہ میرے نبی کی بیٹی سیدنا قید عالم کا جب وصال ہوا سب سے زیادہ دکھ میرے نبی کی بیٹی کے ہوا. حضرت فاطمہ زہرا رو رہی ہے, میرے آقا قید عالم نے فرمایا فاطمہ ان قریب میں یہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگی, میرے نبی نے قریب بلایا, فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد خاندان میں سب سے پہلے جو ملنے والی شخصیت ہوگی, فرمایا فاطمہ وہ تو ہوگی. 5.5 مہینے یا 6 مہینے گزرے, حضرت سیدہ فاطمہ تزارا صبح و شام آنکھوں سے آنسو ہیں, کبھی نبی کے روضے پر جاتی ہے, اے اولاد والو ذرا توجہ سے سنو, حضرت فاطمہ کبھی نبی کے روضے انور پہ جاتی ہے, قبر انور پہ جاتی ہے اور سلام بھر کے جب واپس آتی ہے اتنا روئی کہ روتے روتے آپ کے رخسار پہ نشان پڑ گئے. 3 شخصیات 4 شخصیات بہت زیادہ روئی, ایک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے زمین پر آئے اتنا روئے کہ 300 سال گزر گئے, اور دوسرے نمبر پر حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम कुरान कहते हैं बाबा यद्दताइना हो मिन अल हुज़्न फहुवा कज़ीम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई पर रोए। और तीसरे नंबर पर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा नबी के विसाल के बाद इतनी रोई कि रोते रोते आपकी आंखों में जो आंसू निकलते या रुखसार पे निशान पड़ गए। एक दिन मौलाए कायनात ने हसनैन करीमैन को बुलाया और बीबी ज़ैनब को बुलाया। इन तीनों शहजादों और तीनों शहजादों तीनों बेटी और दो बेटों को बुलाया और बीबी फातिमा ज़हरा की झोली में लिटाया और फरमाया कि फातिमा ये तेरे जिगर के टुकड़े हैं, ये हसनैन करीमैन है। फरमाया फातिमा ये बेटी तेरी ज़ैनब है, इतना न रोया कर। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा ए अली बेशक तुम शफीक भी हो तुम मेहरबान भी हो लेकिन इतना बता जो प्यार मुझे बाप दिया करता था वो कौन देगा। अरे कुरान आए तो मेरा नबी न उठे, अरे जिब्रील आए तो मेरा नबी न उठे, अरे कायनात की हर चीज इज्जत अज़मत मैं नबी की मोहब्बतों पे कुर्बान कर दूं, अरे कुरान आए तो मेरा नबी न उठे। हम यहां बैठे हैं, अगर कोई कुरान मजीद बाहर से लेकर आ जाए हम कुरान की इज्जत अज़मत की खातिर खड़े हो जाते हैं। अगर कोई बुजुर्ग आ जाए मेरे मोहतरम किबला मामू जान जनाबे अलहाज मोहम्मद हाशिम खान अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मेरे खानदान के बुजुर्ग हैं, अगर कोई बुजुर्ग आ जाए हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन यारो अगर कोई बुजुर्ग आ जाए तो हम खड़े हो जाए लेकिन मदीना तय्यबा की सरजमीन हो, अरे कुरान आए तो मेरा नबी खड़ा ना हो, अरे जिब्रील आए तो मेरा नबी खड़ा ना हो। लेकिन जब बेटी आए नहीं यूं नहीं जरा मोहब्बत से आवाज, लेकिन किबला जब बेटी आए नहीं जो चाहता है कि उसके रिस्क में कभी कमी ना हो वो नबी के खानदान का नाम सुनकर दिल से कह दे हुजूर कुरान आए तो मेरा नबी खड़ा ना हो, जिब्रील आए तो मेरा नबी खड़ा ना हो। लेकिन जब बेटी आए जब फातिमा ज़हरा आए जब जन्नती औरतों की सरदार आए जब अली की घरवाली आए जब हसनैन की माँ आए, अगर दिन में 10 मर्तबा भी आए तो मेरा मोहम्मद खड़ा हो जाता है। हसनैन करीमैन को गोदी में बिठाया, बीबी ज़ैनब को बिठाया, कहा कि ए फातिमा जरा देख ये तेरे बच्चे तेरी आंखों की ठंडक तेरे दिल का चैन। सैयदा ज़हरा ने कहा बेशक मेरे दिल का चैन है लेकिन जो इज्जत मुझे बाप दिया करता था वो कौन देगा, जो इज्जत बाप दिया करता था वो कौन देगा। इधर हजरत हसनैन करीमैन है उधर बीबी ज़ैनब है, ये दो भाई ये एक बेटी। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह उनको पकड़ कर सीने लगाया। अब सुनो रमजान अल मुकद्दस की 3 तारीख है और 11 और 2 सरकारे दो आलम के गुलामों 11वां साल हिजरी का 3 रमजान अल मुकद्दस को हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने तीनों बच्चों को गले लगाया और फिर फरमाया अली मुर्तजा से कहा अली इन तीनों बच्चों को मेरे बाबा मोहम्मद के मजार पर ले जाओ। जब वो वापस ले गए हजरत बीबी ज़हरा उठी अपने हाथों से आटा गूंदा और अपने हाथों से रोटी बनाई और बीबी ज़हरा ने अपने बच्चों को नहलाकर कपड़े भी पहना दिए इधर बर्तन भी धो दिए इधर कपड़े भी धो दिए और आपने आटा भिगोन कर रोटियां बना दी। सरकार अली मुर्तजा वापस आए तो देखा
दोनों काम हुए पड़े हैं। पर मैं फातिमा आज तक तूने दोनों काम इकट्ठे नहीं किए, इसकी वजह क्या है? फरमाने लगी अली रात मैं सोई ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह का दीदार हो गया है। रात को मैं सोई रसूलुल्लाह का दीदार हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी कल तीसरा रोजा तू मोहम्मद की कचहरी में इफ्तार करेगी। तो हजरत अली मुर्तजा के पूछने पर फरमाया अली मैंने खाना बना दिया, मैं देख रही हूँ पता नहीं मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मैंने कपड़े धो दिए हैं, न जाने मेरे बच्चों के कपड़े कौन धोएगा। बस इसी असरा में बच्चे जब वापस आते हैं, खुदारा जरा समझो वो आजी सहबानो जहाँ सरकार का रौदे अनवर है और वो कदमों वाली जगह जो कदमैन वाली जगह वहां से पीछे हटो तो वो हुजरा है, हुजरे के साथ वो छोटा सा दरवाजा, वो दरवाजा वो जो हुजरा हजरत बीबी फातिमा जहरा का है। बीबी फातिमा जहरा का वही हुजरा हजरत सैयदना कैदू आलम के गुलामों सरकार ने हजरत बीबी फातिमा जहरा ने देखा बच्चे फिर आ गए, मगर फातिमा जहरा वो चादर लेकर ओढ़ कर बैठ गई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब, मौला जो अब सुभान अल्लाह कहे उसी बीबी जहरा के सदके उसके रिज़्क में बरकत दे दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज़्सा अहलल बैती वयुतहिरकुम तत्हीरा। बीबी फातिमा ज़हरा ने चादर ओढ़ी, बच्चे आए बाबा अम्मी कहाँ हैं? तो सैयदा जहरा पाक चादर ओढ़कर बैठी हैं, बच्चों की आवाज सुनी तो चेहरे से चादर उठाई, बच्चों को सीने लगाया और प्यार किया। और जब प्यार किया सैयदना इमाम हसन के लबों को चूमा और हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को चूमा। फरमाया बेटा ख्याल करना, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह से कहा बेटी ख्याल करना एक वक्त आएगा मैदान कर्बो बला होगा, सूरज गर्मी में होगा और तपता हुआ सहरा होगा। फरमाया बेटा ख्याल करना जब मेरे हुसैन पे आजमाइश का वक्त आए, तूने मेरे बेटे हुसैन का ख्याल करना, हजरत हसन का ख्याल करना। यहाँ इदादा तो आरिफ खड़ी क्या बोलते थे, अबर मते भाई बजाऊंदे दर्द मंडोंदे। अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे। अबर मंगने भाई बजाऊंदे दर्द मंडोंदे ते भाई मद मावा ठंडिया छावा। इसी असना में हजरत फातिमा ज़हरा चादर तथी रोड़ कर बैठी, अल्लाह का दीदार हुआ, रूह परवाज कर गई। हजरत अस्मा बिन्त उमैस सैयदना अबू बकर सिद्दीक की घरवाली ने फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया और जनाजा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया और कहां दफन किया एक नक्शा पेश कर रहा हूं। जब आप बाबू सलाम से दाखिल हूं, खुदा ले चले, बाबू सलाम से दाखिल हूं और यूं सलाम करते हुए वो सिर्फ एक फरमाइश पूरी कर रहा हूं। वक्त बहुत नाजुक है, गर्मी शदीद है, मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, ये मेरे लिए नहीं बैठे ये तेरे नबी के लिए बैठे। ऐ अल्लाह इस गर्मी में जो दुआ कर रहे हैं इनकी दुआ को कबूल कर ले।
वो रोज़े पाक की जाली के मुकद्दस के सामने खड़े होकर कहते क्या है, ले दे चिट्ठिया मदीने नू आवण दिया, ले दे चिट्ठिया मदीने नू जावण दिया, दमदा की है वसा, ए मरने तो पहले रोजा विखा सोनिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नमाज जनादा पढ़ाई हजरत फातिमा तज़हरा की और वहां दफन किया। बाबे बकी से बाहर निकले, जन्नत अलबकी में जाएं तो पहला मजार हजरत बीबी फातिमा का है। कयामत तक ये मंजर है कि नबी बेटी को देख रहा है, बेटी मोहम्मद को देख रही है। बाकी मजमून अगले जुमे सुनना दिया था।